बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कहते हैं मातृत्व से बड़ा कोई सुख नहीं होता है, और जिसे ये सुख नहीं मिलता है जाहिर सी बात है वो परेशान भी होता है। कई ऐसे दंपति हैं जो शादी के सालों बाद तक कोई संतान जिन्हें नहीं होती है, और ऐसे ही निराश पति पत्नी के लिए IVF तकनीक एक वरदान बनकर के सामने आई है। ITV नेटवर्क ने गायनकोलॉजी और IVF कॉन्क्लेव में उन तमाम डॉक्टर्स को एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया जो कि लोगों के सपने सच करने में जुटे हुए हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं IVF कॉन्क्लेव में। सक्सेस एज ऑफ टुडे सिनेरियो 50% आप कह रहे हैं सक्सेस रेट है। डॉक्टर सुनीता अरोड़ा, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी एज वी आर डिस्कसिंग की बहुत कॉमन हो गई है, इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन टू बिगिन विद हो ही क्यों गई है? काफी मिथ्स हैं, काफी गलतफहमियां हैं, जानकारी की भी कमी है। जैसे कि अब आप मेरे माँ बाप से बात करेंगे एंड आई एम श्योर दे आर नॉट करेक्ट, बट दे विल से हमारे जमाने में तो नहीं होता था। इज इट अ लाइफस्टाइल डिजीज? एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है, दिस इंक्रीज इन इनफर्टिलिटी? मैम बिल्कुल सही, मोर और लेस वी कैन से लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एंड समवेयर यू नो दीज पॉल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सबके अलावा अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रही है। पहले क्या होता था, गाँव में कस्बों में लोग आते ही नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए, आगे बच्चा नहीं हो रहा दूसरी शादी कर ली। अभी अवेयरनेस बढ़ गई है तो सभी IVF सेंटर्स में इवन पेरिफ्री से भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, बट डेफिनेटली लाइफस्टाइल एंड ऑल बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। प्लस महिलाएं करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो क्या हो रहा है शादियां लेट हो रही हैं, तो क्या जैसे जैसे एज बढ़ती है स्पेशली 35 की उम्र के बाद अंडे का जो रिजर्व है वो लेडी के शरीर में कम होता जाता है। और उसके साथ